स्पेशली विद द वेब सीरीज इज द स्क्रिप्ट. और इससे पहले जो मैंने बैंड करी थी वेब सीरीज, वो कमर्शली बहुत हिट गया था. तो मैं एक ऐसा वेब सीरीज या एक ऐसी स्टोरी की तलाश में था जो कि उससे ऊपर ही जाए. मतलब उस एक एज एन एक्टर आपको लगता है ना कि आपने एक हिट दिया है तो उससे ऊपर ही एक हिट दो. तो वही तलाश थी और इसी में शायद मुझे लगता है टाइम लग गया. और अब जब मुझे मिली है तो मैंने टाइम लगाया और आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. मिसिंग चैप्टर, हाउ यू बिकम अ पार्ट ऑफ मिसिंग चैप्टर? तो जो डायरेक्टर जी हैं और वीर जी और जो हमारे प्रोड्यूसर जी हैं दानिश जी, उनको लगा कि मैं सूट करता हूँ, जस्टिफाई करता हूँ. सो एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे उन्होंने मुझे सुनाया था स्क्रिप्ट के बारे में. और मैंने जब सुनी और जिस वे में उन्होंने मुझे सुनाई तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी लगी स्क्रिप्ट. एंड वहीं पे फिर उसके बाद और मीटिंग्स हुई मेरी, जो हमारे राइटर जी हैं उनके साथ बात हुई, उन्होंने और मेरे को स्क्रिप्टिंग के बारे में बताया. एंड देन आई टुक अ कॉल कि येस आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड दिस इज द वन विच आई वॉज लुकिंग फॉर. साहिल, इज इट एन इंटेंशनल एफर्ट to break the commercial success of what you have done in past? Of course. By doing missing chapter? Yeah, of course. I want to break that thing. Hota hai na ki aapko seedhiyan chadhti rehni chahiye, ek hi seedhi pe nahi rehna chahiye. To chadhna hai to uske liye mere ko wo apna piche ka todna padega aur uska break upar jane ke liye. I think that this is the best thing, best script and best people. Jo team hai bahut hi young, energetic hai, बहुत काम कर रखा है सबने और बहुत ही रियल स्पेस में हमने ये वेब सीरीज़ को शूट करने लगे और रियल लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे आज तक शूट नहीं हुआ, महोबा करके है. तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही रियल स्पेस में रहे. और ऑफ कोर्स आई वांट टू ब्रेक दैट दैट रिकॉर्ड ऑफ माइन ऑफ बैंड विद दिस. ओके, टेल अस लिटिल अबाउट योर कैरेक्टर इन दिस सीरीज. जो मेरा इस वेब सीरीज़ में कैरेक्टर है वो एक नॉवलिस्ट का है, नॉवल्स लिखता है, कुछ चैप्टर्स लिखता है. और वही रिलेशन आपको इस मिसिंग चैप्टर्स में मिलेंगे. और बाय द वे ये कभी एंड नहीं होती ये सीरीज़. इट्स नॉट दी, ये एक ऐसी सीरीज़ है जहाँ पे आपको कि हाँ एक मुझे मिल जाए, एक एंड मिल जाए. इट्स नॉट लाइक दैट. सो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही रियल स्पेस में बनाई है. जो स्टोरी है इट्स माई बेट कि आप ऐसे कहेंगे कि यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था या ये तो हमने देखा ही नहीं है. बहुत, क्योंकि आजकल इतनी थ्रिलर्स आ रही हैं, इतनी सीरियल किलर्स के ऊपर आ रही हैं. तो आपको इतना दिमाग में फीड हो गया कि जब मेरे पास भी पहली बार आया था मैंने कहा था यार वही सेम होगा सब कुछ, ऐसा चल रहा वैसा चल रहा. बट दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग कि इट यू विल बी ऑन योर टोज. या यू विल बी ऑलवेज थिंकिंग कि अब क्या होगा, ये क्या है, ये अब ये क्या है. एंड द स्क्रिप्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, क्या कुछ वर्कशॉप वगैरह हुआ है, कब फ्लोर पे जा रहे हैं? जी वर्कशॉप नहीं, ड्यू टू कोरोना वी आर टेकिंग पर्सनल वर्कशॉप्स. सो जैन 10 से हम सारे ऑन फ्लोर जा रहे हैं. एक महीने के शूट है एंड प्रॉब्ली इन मार्च यू विल बी सीइंग इन द ऑल इन वन ऑफ द टॉप प्लेटफॉर्म्स. यू नो यू सेड नोवेलिस्ट, इट आल्सो रिमाइंड मी ऑफ व्हाट संजय दत्त एंड ऐश्वर्या राय हैव डन इन वन फिल्म. इज इट No. It's very different. He's a novelist. He is, मतलब एक होते हैं ना novel. शब्द. हाँ, शब्द मूवी में जैसे संजय दत्त जी ने करा था. नहीं, वो कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अब मैं अपना तड़का लगाऊंगा उसमें या अपनी तरफ से करूँगा. सो इट विल बी वेरी डिफरेंट.